are on the crucial meeting between senior Congress leader and Bihar Chief Minister Nitish Kumar, which has been scheduled for today. Sources tell Times Now that the meeting will be held virtually and decision could be taken on making Nitish the convener of the alliance. It is learned that Congress President Mallikarjun Kharge and other senior Congress leaders will attend the meeting online. Sources also say that West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee and Jharkhand CM Hemant Soren are in support of Nitish Kumar's name as the convener of the INDI alliance. RJD has also welcomed the possibility. हम खुशी जाहिर करेंगे कि बिहार के लोग और नीतीश कुमार जी को कन्वेनर बनाया जाएगा। हम चाहते हैं कि वो कन्वेनर बने, है ना। राजद भी इस मत से पूरी सहमत। एकदम एकदम एकदम। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव वाज आस्क्ड अबाउट इट। ही सेड द डिसीजन विद रिगार्ड टू द कन्वीनर विल बी टेकन बाय INDI इन ड्यू टाइम। ये फैसला इंडिया गठबंधन आने वाले समय में ले लेगा कि कौन क्या जिम्मेदारी के साथ जनता में जाएगा। द बीजेपी मीनवाइल हैज मॉक्ड नीतीश, सेइंग ही वाज बीइंग शोन मुंगेरी लाल के हसीन सपने। व्हाइल असर्टिंग दैट INDI ब्लॉक डज नॉट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट मोदी, इट आल्सो क्लेम दैट नीतीश इज ट्राइंग टू पुट प्रेशर ऑन INDI अहेड ऑफ द पोल्स। ये लालू यादव का मकर जाल है, वो मकर जाल में नीतीश को फंसा करके रखना चाहते हैं। पहला उनका प्रयोग है कि किसी ढंग से इसको संयोजक बना दें जो हमारे गठबंधन में रहे और बेटा को मुख्यमंत्री बना दे। कोई बनाने के लिए तो तैयार होगा नहीं। कौन सा तीर मार के आया है विधानसभा में, कौन सा रामायण बांच के आए हैं, कौन क्यों इनको बना देगा। ये लालू यादव का मकर जाल है, तब तक वो तैयार करेंगे कैसे इनकी पार्टी को तोड़ करके, नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ करके मुख्यमंत्री। जब वो हमें छोड़ कर गए थे तो कुछ लोगों ने उनको ख्वाब दिखाए थे, मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसा। ये कहा था कि आप विपक्ष के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाएंगे, फेस हो जाएंगे, लेकिन न उनको NDA अलायंस का संयोजक बनाया, न विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया, और कुछ न बने तो वो पार्टी के अध्यक्ष बन गए। अब वो संयोजक बन भी जाएं तो NDA अलायंस का कोई वजूद नहीं है। तो लगता है पिछली बैठक से नीतीश जी रूठ के चले आए थे, और आजकल नीतीश जी बहुत जल्दी रूठ जा रहे हैं, नाराज हो जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब पहल दूल्हा ढूंढा जा रहा है बारात ले जाने के लिए। तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन अपने आप में एक बड़ा ही विफल प्रयास है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के सामने अब कोई अलायंस कुछ टिकने वाला नहीं है। लेकिन RJD और JDU के नेता काफ़ी खुशी जता रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ही एकमात्र विकल्प हैं जो। वो ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना।